की जानिब से आज आप सभी को एक ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगी जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत एनकरेजिंग और इंस्पायरिंग है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ साहब की, जिनकी उम्र 81 साल है। ये बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 जहीरा नगर में रहते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब की शादी 1981 में हुई। इन्हें 6 लड़कियाँ और 2 लड़के हैं। मोहम्मद हनीफ साहब पेशे से ऑटो ड्राइवर है और साथ ही साथ ये ऑटो मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल का भी काम जानते हैं। इतनी मुश्किलात में और इन्होंने इतने महंगाई में भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करी और बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। इनकी पहली लड़की 10वीं पास है और दूसरी 9वीं पास है और इनकी तीसरी लड़की ने MBA किया है और बाकी तीनों लड़कियों ने ग्रेजुएशन पास की है। इनके दो लड़के भी हैं। पहले लड़के ने ग्रेजुएशन पास की है और दूसरे लड़के ने इंटरमीडिएट कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस शख्सियत की ज़िंदगी की ओर। मोहम्मद हनीफ साहब ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं साइकिल रेसिंग में, जो कि 15 अगस्त 2016 को हुई थी 100 किलोमीटर गच्छीबोली से चवल्ला तक, और दूसरा रेस 28 जनवरी 2017 को हुई थी 30 किलोमीटर की, जो कि गच्छीबोली से मोइनाबाद तक की। इन्होंने इनका पहला सफ़र साइकिल पर ही शुरू किया था। आपको बता दें कि इन्होंने साइकिल से पहली बार हैदराबाद से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगरा, आगरा से हरियाणा, हरियाणा से गुजरात, गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए इनका सफ़र वापसी में हैदराबाद पर ख़त्म हुआ। और आपको बता दें कि इन्होंने 8 साथियों के साथ ये सफ़र शुरू किया था, लेकिन इन्होंने पूरा सफ़र अकेले मुकम्मल किया। इन्होंने कुआं भी खोदा जो कि 60 फीट का है और उस कुएं में इन्होंने जमजम तबर्रुक डाला है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बरकत है। इनका कहना है कि पानी अल्लाह ताला की नियमत है और इनकी बस्ती में इस पानी का इस्तेमाल पूरे लोग करते हैं। अब आइए आपको हम ले चलते हैं इनके हज के सफ़र की ओर, जो कि चौंका देने वाली है। ना ही कभी आपने पहले इस बारे में कभी सुना होगा ना देखा होगा। मोहम्मद हनीफ साहब का हज का सफ़र 21 दिसंबर 2006 को शुरू हुआ था और इन्होंने अपना हज का सफ़र साइकिल पर शुरू किया था। 7 मुल्कों से गुजरते हुए, जिसमें कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कुवैत, जो मदीना की तरफ जाता है। ये 70 साल की उम्र में ये सफ़र साइकिल से इन्होंने मुकम्मल किया, जो कि हमारे हैदराबाद शहर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इनका सफ़र 9 महीने में मुकम्मल हुआ और उस दौरान हज सीज़न चल रहा था और मोहम्मद हनीफ ने हज अदा किया। वहाँ की हुकूमत ने खुश होकर उन्हें वापसी बाई प्लेन से भेजा। जब हमने उनकी लड़कियों से बातचीत की तो उस दौरान हमें पता चला कि उनकी लड़कियों को अपने वालिद पर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है। उनकी लड़कियों ने यह भी कहा है कि वालिद साहब से वे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और वे अपने वालिद के लिए लंबी उम्र की दुआ करती है। उनकी बेटियों के लिए, आज के पीढ़ी के लिए ये मैसेज है कि वे भी अपने वालिदैन की हर बात को सुने और उन्हें खुश रखे। इनकी लड़कियों को ज़्यादा इस्लामिक तालीम और दुनिया की तालीम में। आज मोहम्मद हनीफ आज सभी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि आज सब फैसिलिटी होते हुए भी लोग हज नहीं करते, लेकिन मोहम्मद हनीफ साहब ने साइकिल से हज मुकम्मल किया और ये बहुत गर्व की बात है पूरे देश के लिए। उनपे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। आज की पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि आज के नौजवान ज़्यादातर बाइक और कार का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए। आज की पीढ़ी साइकिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, ऐसा लगता है कि वह साइकिल को भूल ही चुकी है। लेकिन 81 साल के होते हुए भी मोहम्मद हनीफ साहब आज भी साइकिल में अपनी पूरी ज़िंदगी का दौर करते हैं, तो ये हमारे नौजवान और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मोहम्मद आदिल अहमद की रिपोर्ट, 99 TV। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हम आपको ऐसी एक शख्सियत के पास ले चलते हैं जिनका नाम है मोहम्मद हनीफ साहब, जो है जहरा नगर में रहते हैं। उनकी उम्र 81 साल है। उनको जो है 6 लड़कियाँ और 2 लड़के हैं। नाज़रीन, आइए आप ऐसे शख्सियत के पास ले चलते हैं
के जो है कभी आपने सुना होगा ना देखा होगा। नाज़िम एक हनीफ साहब ऐसे हैं जो कि साइकिल का शौक़ रखते हैं और अपने घर वालों को ऐसा लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह के जो है ऑटो चलाते हुए अपने बच्चों को जो है अच्छा पढ़ाए लिखाए। आइए उनसे कुछ मालूम करते हैं। हनीफ साहब ये बताइए आपको साइकिल का चलाने का शौक़ कब से उठा? मैं स्कूल में ही बच्चे में 9 साल की उम्र से साइकिल चलाने का शौक था जी। अब हम अंबरपुर में थे तो इतवार की छुट्टी मिलती थी, वहाँ से जहांगीरपुर में जगह जाना। अच्छा, कितने साल के थे आप जब? मैं 9 साल का जी। आप इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे साइकिल? मैं इंडिया में बम्बई, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये सब फिर जी। आपको दिल्ली जाने के लिए कितना सफ़र लगा और क्या क्या तकलीफें हैं वो बताइए। कब के हज के पहले? नहीं, दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली जाने के लिए तो 29 दिन का सफ़र जी। तो उसके अंदर मुश्किलों का सामना करना? मुश्किलों का तो आते रहते हो, जाते रहते, मगर अपन मुश्किल अल्लाह के ऊपर भरोसा रहे, हर मुश्किल कामयाब जी। हाँ, अब बात टाइम तो ऐसा होगा कहीं खाने के नहीं, कुछ भी नहीं होता जी। शेर वगैरह बंदर वगैरह हमला करना जी, तो हम आके खाली ऐसा डरा है जी। डरा तो हम बोले हम सलाम करके नीचे मुंडी बैठी, बोला हम खाने के भूखे, बोले तो सेबा संतरे वगैरह वो लोग लाए भी चला जी। अल्लाह का करम ये जी। आपको आवाम कितनी सपोर्ट करी आपको, आप जब सफ़र पे निकले यहाँ से? आवाम तो हमको हर जगह जो है जी, हर जगह आवाम रोकते गए, इस्तेमाल करते गए छोटे जी। आवाम से तो कोई ये नहीं, आवाम की बहुत हमदर्दी है जी। वो हमदर्दी होने से उनकी मोहब्बत से हम वहाँ तक गए जी। फर्स्ट टाइम आप कहाँ पर गए? दिल्ली गए, बॉम्बे गए, कहाँ पर गए? पहले यहाँ से महाराष्ट्र जी, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हरियाणा जी, पंजाब, ये सब एक ही बार आप सारे चक्कर लगा के आगे अलग अलग? ये हम जो 8 साथी थे, 8 में से सब छठ गए दिल्ली में। सर, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर सफर के लिए निकले थे, आपको कैसा महसूस हुआ? ये हम तो ऐसा महसूस है, हमें तो इतनी बड़ी खुशी थी कि हर एक जन जो इस्तेमाल करे हमारा जीरो पूछ कर जी, तो हम जल्द से जल्द पहुँचे जी। तो हमको इतनी उम्मीद थी कि ये हमारे अब हम जो बनाए तो ये हमारे दिल से नहीं बनाए जी। इससे पहले जो है उड़ीसा के मोहम्मद फजल साहब जी 81 साल की उम्र में गए। अच्छा, हर उसके बाद में अबू बकर सिद्दीक जो है कर्नाटक के थे। अच्छा, उन्हें भी 67 साल के थे, उन्हें भी गए जी हैदराबाद टू मक्का। अच्छा, तो क्या आप भी हैदराबाद टू मक्का गए हैं? कौन से साल में गए? मैं 2006 में गया, 7 में पहुंचा। अच्छा, ये 2071 जी 21 दिसंबर जी 2007 में। कैसा गया हैदराबाद से साइकिल पे? कहाँ कहाँ से होते हैं? कहाँ से 7 स्टेट मिलते हैं जी हिंदुस्तान से, जब पार करते 7 स्टेट मिलते, 7 स्टेट पार होने पर 7 कंट्री मिलती जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, जॉर्डन जी, मदीने को चढ़ पा रहे जी। मदीने की तरफ पहुँचे आप, जब आप मदीने पहुँचे कितना अर्सा हुआ? ये हम मदीना पहुँचने तक 9 महीने का अर्सा था। 9 महीने आने के 9 महीने आते हो गए सऊदी हुकूमत के। अच्छा, आप वहाँ पर हुकूमत खुद दी कि जो है आप जाते वक्त प्लेन से जाए? अच्छा, आपको हज का जमानत याद कर लिया फौरी प्लेन से जाए। अच्छा, सफ़र में कितनी तकलीफें उठाई आप? सफ़र में तो तकलीफ होते जी, कभी मिलता कभी नहीं मिलता वैसे जी, मगर हर जगह तो मिला, ऐसे तो जो भी नहीं मिला वो भी शुक्र अदा करना होता है, तो वो भी बड़ी अल्लाह ताला की। हम क्या, हमको तो खाने पीने 1-2 दिन 4 दिन के कोई ये नहीं है था ना, मगर पहले के जो अम्बिया सलाम से तकलीफ उठाए जी, अम्बिया सलाम सहाबा इकराम औलिया इकराम जो तकलीफ उठाए, इनकी क्या तकलीफ है वो हम महसूस करेंगे तो हम कुछ भी नहीं हमारी तकलीफ। तो हम उनके अहकाम के तहत अब जो हम हैदराबाद टू मक्का जो जा रहे हैं तो भाई वहाँ है क्या है, वहाँ पर क्या है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का अल्लाह की फरमा बरदार। उनको अगर हम देखेंगे तो हम तारीख में भी नहीं सोच सकते कि हम कहाँ हैं, तो अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत नसीब फरमाए और हर नसीब हम सबको सहज से महफूज़ हों। और हम तो ये है कि हम हमारे लिए दुआ, हम बच्चों के लिए दुआ करें तो मोहब्बत पर हम वहाँ जाने के बाद तो हम तो दुआ ये करें
हमारे तमाम उम्मीद के लिए, हम तमाम भाइयों के लिए, कि इनको हर तरीके से अल्लाह ताला के इनको दीदार कराए जी। सब आप ऑटो पेशा है, आप ऑटो चलाते हैं? मैं ऑटो भी चलाता हूँ, ऑटो भी बनाता हूँ, ऑटो मैकेनिक भी हूँ, ऑटो भी चलाता हूँ मैं, पलम्बर भी। अच्छा, कोई चीज भी जो है, कोई चीज में ये नहीं करता मैं, खाना पकाना ये भी सब मेरे पास है। अच्छा, कोई चीज की परेशानी नहीं है। अल्लाह का करम ये है कि हर उससे शुक्र के अदा करे, कितना भी हम कम है। अच्छा। क्या आज भी हम ऑटो चला रहे तो हम क्या है, अल्लाह का फजल, फजल उससे पहले ही निकल जाते हैं। फजल हम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाके पड़ते हैं, कोई मस्जिद ये बोलना वो बोलना, हर मस्जिद में अलग अलग। तो आपने तो कुआं भी खोदा है यहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो कुआं खोदे है, ये जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सस्ता है, जो वहाँ से पानी और वहाँ का तबरुक जो लेके आके यहाँ खोदे है। और इससे जो है और हरियम शबा और ये कोई दवा दुआ नहीं है। यहाँ का पानी अगर आप लेके भी जाएंगे, किसी भी नलाए भी है, तो उसकी तो हर चीज शबा है। अच्छा, ये है। और ये हमारे कुएं से क्या है, हम किसी को बोलते हैं कि गोली भरने बंद करने का, हमारे महीने में ऐसे ऐसे 6-7 जने ऐसे हैं कि गोली बंद करे वो मकाना वकाना सब बेच के चले गए। अच्छा। ये तो पानी को कभी बंद नहीं करना। अच्छा। पानी क्या अल्लाह ताला की नेमत है, हम जो आप ये है कितने भी बोरिंग वगैरह भी है तो सूख जाते हैं, मगर हमारे पास पानी देगा आप अल्लाह का फजल है ये। और हमारे बस्ती में देखो आप, ये कोने से वो कोने चले, पूरी बस्ती आबादी हमारे पानी लेके बनाए। अच्छा, वो कुछ नहीं, मगर आज उसको हम बौली कुछ समझते नहीं कि कुआं है। अच्छा अच्छा। सब आपके और क्या क्या शौक है इसके अलावा? इसके क्या है, मेरे को बन वगैरह ये क्या है, एक्सरसाइज वगैरह जो है सुबह वॉकिंग वगैरह ये करने की सुबह आदत है जी। आज भी करते हैं? अब आज भी सुबह में वॉकिंग करता हूँ, KBR पार्क। अच्छा। नमाज वगैरह भी वहाँ पढ़ता हूँ जी। जी साहब, ये बताइए कि जो है आपके 6 लड़कियाँ कहाँ तक पढ़ी गई और कितनी लड़कियों की शादियाँ हुई? मेरे देश में अब 6 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के और 3 के शादियाँ हुई, पूरे MBA डिग्री गए। माशाल्लाह। हाँ, अब अभी जो है ये MBA डिग्री है और बच्चा भी वो डिग्री पढ़ा हुआ है, सुपर एजर है, और ये बच्चा भी जो है इंटर से गढ़ गया। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद हनीफ साहब के जो है हम जैसे लोग नौजवानों के लिए एक सीख है, ये उम्र में भी जो है ये उम्र में कमा रहे हैं और लोगों के लिए जो है खिदमत भी दे रहे हैं। नाज़रीन, आइए उनकी फैमिली से कुछ मालूम करते हैं मोहम्मद हनीफ साहब के काम से, ले चलते हैं आपकी उनकी फैमिली। जी, आपका अपना नाम बताइए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम तबूर बेगम है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करी। कहाँ से करें? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी। अच्छा, ये बताइए आपके वालिद साहब इस उम्र में अपा कमा रहे हैं, आपको कैसा दिख रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपा कमा रहे हैं, हम लोग इतना पढ़ा रहे हैं, हम फख्र महसूस कर रहे हैं जी, आए हम लोग को इतना ज्यादा माशाल्लाह अच्छा है। आपके वालिद साहब जो है साइकिल पर उम्र पे गए, आपको कैसा लगा? बहुत इंस्पायर हुए हम लोग जी, जो अब्बा का स्पिरिट है जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है जी, हम लोग इंस्पायर हुए। आप कुछ मैसेज देना चाहिए दूसरे आवाम को, जो है आपके वालिद साहब को गए हैं साइकिल पे, कुछ मैसेज देना चाहिए? जी, आज का वैसे तो दिन पे दिन बहुत सारे माहौल सहूलतें ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी लोग जो है वहाँ पर हज के लिए गए जाते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंस्पायर होते हैं अब्बा से कि इतनी उम्र में भी सब कुछ करके आगे बढ़ के हम लोग को इतने मुकाम पे पहुँचाए शुक्र है हम लोग ये मुकाम पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया बेगम है। कौन से कॉलेज से कर रहे हैं और क्या पढ़े हैं आप ये बताइए? अवंती डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कम्प्लीट। कौन सा साल में? यही साल। यही साल जी। आपके वालिद साहब के जो है कुछ बताना चाहेंगे? वालिद साहब ये उम्र में भी ऑटो चलाते हुए आपको यहाँ तक ग्रेजुएशन कराए हैं, कैसा दिख रहा, कैसा फील हो रहा ये बताइए? माशाल्लाह, जब भी अब्बा रोज सुबह में हम लोग को उठाते हैं, हम लोग नमाज पढ़ के अब्बा के लिए दुआ करती हूँ मैं, अब्बा की सेहत के लिए, और जैसे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि ये उम्र में भी हम लोग को हलाल की रोटी खिला रहे हैं, उनका साया हमारे सर पे हमेशा रहे, हम यही दुआ करते हैं। और जैसे दूसरे माँ बाप को भी इंस्पायर होना चाहिए हमारे अब्बा से कि उन लोग अपने औलाद को हलाल रोटी खिलाएं और अपने औलाद को पढ़ाने जितना हो सके उतना पढ़ाएं, जितना उन लोग पढ़ना चाहें। माशाल्लाह। अब सुबह कितने बजे उठती है और आपके माँ बाप ने क्या सीख दी है आपको, क्या क्या तरबियत दी है ये बताइए? माशाल्लाह, हमारे घर का माहौल तो बहुत दीदी है, हम लोग फजर से उठते हैं और जैसे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं सुबह में, फजर में उठ के कुरान पढ़ते हैं।
कुरान से आपकी सुबह होती है। जी रोज दो आयत पढ़ते हैं। दो आयत क्यों ना होता, हम लोग पढ़ते पढ़ते जरूर है, जरूर पढ़ते जी, सब पढ़ते जी। आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है ये बताइए, क्या करने वाले आगे चलकर? इंशाल्लाह मैं एमबीए करूंगी नेक्स्ट ईयर, एमबीए ज्वाइन करना चाहूंगी। अब तो एडसेट का एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाह रही हूँ, और जैसे एंट्रेंस की नोटिफिकेशन नहीं आई अभी, तो आए तो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे, और जैसे इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा अपना प्रोफेशन बना के मैं अपने अब्बा को हेल्प करना चाहूंगी। सर आपकी दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है कि जो आप ये बच्चों को यहाँ तक पढ़ा कर लेकर आए? मैं जगह दिन में सुबह में निकलता हूँ स्कूल के बच्चे में जी, सुबह फजर में जी, पहला किंग कोटी का बच्चा है जी, सेकंड नंबर अमीर पेट जी, उसके बाद पंजाब होता जी, उसके बाद में जो है रोड नंबर 10 रोड नंबर 12 से गच्ची बोली ना सर जी, वहाँ छोड़ने के बाद में डेली के सवारी में टीचर है नारायण सर, उन्होंने 120 देते, उसके बाद में विजयनगर कॉलेज जाता जी, उन्होंने 30 रुपये देते, वहाँ पर पूरी वगैरह खा लेके जी, सोमाजी घोड़े की सवारी है उन्होंने 70 रुपये देते, वहाँ से जो गच्ची बोली के हाई टक के है। अच्छा जी जी, नहीं कभी 150 कभी ऐसा बन गया। अच्छा तो मैं 11:30 यानी कि डेली वेजेस पे कमाते हैं, ऐसा रात अब का नहीं है कि जो है रात अब का तो अलग है। अच्छा वो रात अब का छोड़िए, ये डेली लगभग कितनी कमाई हो जाती है? ये दिन तमाम नहीं बोले तो हम 300 रुपये तो कर 300 रुपये कमाई घर में, तो सुबह दे के निकलना पड़ता है, देखे निकलने से आपका घर का चलता है, इसमें इजाफा होता है। अगर हम मत के मत के अगर देंगे तो हमारे पास जेब में नहीं आता। सही कि पहले जो भी बच्चा अपने सामने आता जो भी मांगता है तो 10 मांगो 20 मांगो 50 मांगो, तो हम ऐसा मत के नहीं देते, फौरी दे देते जी। अभी निकला नहीं, स्टार्ट नहीं करा, पैसे मांगने आ गए, ये नहीं बोला तो अल्लाह ताला उनके खैर व बरकत से अल्लाह ताला देता है। हम क्या है, अल्लाह ताला खुद ये बोल रहे हैं कि ये हाथ दिया और ये हाथ ले, तो हम इधर देंगे तो उधर से ले आएंगे, हम जेब में रखने का नहीं है, जेब दे के निकलना। साहिजा जी ये बताइए, आप जो है इतने एक्सपायर हो गए आपके वालिद साहब से कि जो है आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप कुछ मैसेज देंगे आपके फ्रेंड्स को, आपके लेबर्स को, आपके जो आवाम है उनको कि जो है आपके वालिद साहब से कितने एक्सपायर हो गए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे वालिद साहब पढ़ाई से खुश होते हैं, तो हम लोग पढ़ के बताएं उनको। अच्छा। तो हर स्टूडेंट ये करे कि अपने माँ बाप को जो चीज से वो लोग खुश होते हैं वो करना चाहिए। आप कितना एक्सपर्ट हुए, आपको कितना फख्र है आपके वालिद साहब के ऊपर, आपके फ्रेंड्स ऐसा भी बोलते होंगे कि जो है अरे आपके वालिद साहब ऑटो चलाते हैं, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? नहीं वैसा तो कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स को भी अपन अपने हिसाब से बनाना पड़ता है, जो अपने उनको अच्छे लगे उन लोगों को फ्रेंड्स बनाना पड़ता है, तो वैसे कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे कि जो एकदम डिसअपॉइंट कर सके जी जी, हर फ्रेंड इंटरेस्ट करते जी जी, इंकरेज करते आपको कि जो वाकई आपके वाले साहब यहाँ तक जो है ये बोल, ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि मेरे डैडी ऑटो ड्राइवर है और जैसे मैं किसी को ना बोलूँ, सबको मालूम है माशाल्लाह से कि हमारे डैडी ऑटो ड्राइवर है, और उन लोगों से जो है उनसे काफी एक्सपर्ट है अपने वाले साहब से। आइए उनकी नवासी से कुछ बात करते। नाज़िम यहाँ पर मेरे सामने जो है सानिया बेगम यहाँ पर बैठे हैं, और आइए उनसे कुछ बात करते हैं। बेटे आपकी मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में है? लिटिल रोजेस हाई स्कूल। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में। वाले सब पढ़ते थे ऑटो ड्राइवर। आपके नाना जो है ये मुकाम पे पहुँचे, ये ओवन में ये कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती जी, मैं नाना से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, जो मेरे पापा नहीं कर सक रहे वो नाना करके दिखाए, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, रोज़ सुबह उनको सेहत दे और उनको रोज़ फजर में दुआ करती हूँ। लोग नहीं कर सके, जो लोग नहीं कर सके अब नाना कर रहे, मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और उनके उनकी वजह से आज मेरा इतना जी। हमारे पास होना इतने मुतासर है कि हम लोग अब्बा को देख के हर रोज़ दुआ करते कि अल्लाह ताला शहर दे अल्लाह हमारे अब्बा को, अगर हमारे अब्बा नहीं होते तो हम क्या होते, आज ये मुकाम पे भी नहीं पहुंचते थे, अगर पढ़ाई भी नहीं होती थी हम ना इतने मुकाम पे भी नहीं आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई से भी है, इल्म से भी है, दीनी माहौल से भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से आगे बढ़ रहे, और माशाल्लाह हर जने तारीफ़ करते हैं आपके अब्बा एक ऑटो ड्राइवर होके भी इतना आगे बढ़ाए आप लोगों को, हलाल रोज़ी खिलाए आपको, हलाल रोज़ी से आप लोग इतने बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे
हर चीज में आगे बढ़े हुए हैं। आपके मोहल्ले में आपको किसी किस नजर से देखते हैं कि जो ये देखिए ये फलाने की बेटी जा रही है, ऐसा दिखता है, कैसा फर्क महसूस करते हैं? वैसे तो हमारी बस्ती में पूरी आंध्रा बस्ती है, पूरे आंध्रा वाले क्रिश्चियंस रहते, पूरे क्रिश्चियंस भी बोलते हैं माशाल्लाह। आप लोग एक हिंदू रहो चाहे वो क्रिश्चियन रहो, कोई भी बोलते आपके डैडी, आप लोग डाउट करना कि आपके डैडी एक ऑटो ड्राइवर है के भी आप लोगों की इतना, हम लोगों को बेहद खुशी होती जब इतना सुनते हो ना, एक ऑटो ड्राइवर के बच्चे इतना पड़े इतने मुकाम पे पहुंचे। माशाल्लाह हम लोग के एजुकेशन की भी बहुत तारीफ होती है यहाँ पे, और जैसे सब बोलते हैं कि हमारे हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके जैसे आपके अब्बा जैसा उठते हैं हम लोग भी वैसे मॉर्निंग, यहाँ पे एक क्रिश्चियन अंकल है उन्होंने भी मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं कि आप लोग जरा हेल्प करिए स्टडीज में, ऐसा आप लोग जरा इम्प्रेस करिए उनको पढ़ने में। आप लोग कहीं ट्यूशन के लिए जाते हैं कि नहीं घर में? जी नहीं, हम लोग घर पे ही पढ़े। अच्छा, ट्यूशन भी नहीं लेते? जी ट्यूशन कहीं भी नहीं लिया आपका, किसी भी क्लास में? 10th क्लास में लिए खाली, 10th क्लास में ट्यूशन लिए बस, उसके बाद घर में जी मैथ्स का। अच्छा, हमारे मम्मी भी इतना इम्प्रेस करते हैं हम लोग को, डेली आते कि स्कूल में क्या पढ़ाए क्या, हर चीज पूछते, और हम लोग को आते कि स्टडी पे ले लेके बैठ जाते, स्टडी ख़त्म होते जैसे नमाज का वक्त हुआ नमाज उठ के पढ़ लेना, फिर स्टडीज पे बैठ जाना, फिर काम हुआ। आज हम किसी को पढ़ाने के काबिल है। अच्छा, वैसा बना दिया माशाल्लाह हम लोगों को, खुद पैरों पे ठहर सकते हैं, माशाल्लाह से इंशाल्लाह हम लोग अर्न भी करेंगे जी, दूसरों को जिससे भी करते हैं उन लोगों के लिए भी मेहनत करते हैं जी। हाँ, महिला अगर कोई आए तो फ्री वगैरह पढ़ाने के लिए हमारे बच्चे वगैरह दूसरों को। अच्छा, फ्री भी पढ़ाएंगे, फ्री भी पढ़ाने का। अच्छा, ये खाई सकते हैं आप लोग? ओके ओके जी। अगर रिसेंटली एक बच्ची को मैं 10th में मैथ में बहुत वीक है तो उसको 3 महीने ट्यूशन दी सो हूं। अच्छा, फ्री। नाज़िन ये थे एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली, इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने में आई। नाज़िन इनसे आप लोग को जो है सीख लेनी चाहिए कि जो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो है यहाँ पर इनका घर देख रहे हैं आप, उनका माहौल देख रहे हैं और उनकी पढ़ाई देख रहे हैं, उनके अखलाक देख रहे हैं। नाज़रीन ये थे मोहम्मद हनीफ साहब, हम लोगों से उनकी फैमिली से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 99 की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। 99 इजाज़त दीजिए, कैमरा मैन अब्दुलरहमान के साथ मैं मोहम्मद आदिल, अल्लाह हाफिज़।